ये स्टोरी तबिता रिची की पर्सनल लाइफ पर बेस्ड है। ड्रामेटिक पर्पस के लिए इसमें कुछ सीन्स काटे या जोड़े गए हैं। मुझे वेकेशन की जरूरत थी। जो लाइफ में जी रही थी उससे दूर जाना चाहती थी। वेलकम टू कोलंबिया। आई फेल्ट फ्री। इतने दिनों के बाद वो भी पहली बार। मैं रोमांस के लिए निकली नहीं थी, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। मैंने उस पे भरोसा किया, लेकिन वो एक बड़ी भूल थी। अगर तुम ड्रग्स नहीं ले जाओगी तो घर भी नहीं जाओगी। वो तो बस शुरुआत थी। No. एक नाइटमेयर की। मैं ऐसी सिचुएशन में थी जहाँ से निकलना मुश्किल था। हमारी नजर है तुम पर। मैं जानती थी उनका प्लान नहीं चलेगा। अगर मैं वहाँ रहती तो नहीं बच पाती। हिम्मत दिखाती तो छत पे पहुँच जाती एंड देन जंप। बोगोटा बेली बस्ट, ओंटारियो कनाडा। 2011 में यूनिवर्सिटी में मेरा लास्ट ईयर था और मैं अपनी डिग्री फिनिश कर रही थी। आई हैड बिग प्लान्स। मैं सोशल वर्कर बनना चाहती थी एंड हेल्प चिल्ड्रन। मुझे अपना फ्यूचर दिख रहा था एंड इट लुक्ड अमेजिंग। मैंने स्कूल में काम किया, मैंने अपने प्यारे बच्चों का ध्यान रखा। मैं एक स्ट्रांग इंडिपेंडेंट सिंगल मदर थी जिसमें मेरी फैमिली और फ्रेंड्स हेल्प करते थे एंड इट वॉज एक्साइटिंग। उस रात मैंने अपनी मॉम से कहा कि वो मेरे बच्चों का ध्यान रखें और मैं गई अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में। वी हैड अ गुड टाइम। हमने जेलो शॉट्स भी लिए। मैंने देखा वो बार बार बेडरूम में जा रही थी। कहाँ गई थी तू? तो मैंने उससे पूछा अंदर क्यों गई थी और उसने मुझे बताया कि उसके पास है थोड़ी कोकेन। व्हाट? सच में? क्या बात कर रही है, तेरे पास कोकेन? तो वो उसे बाहर ले आई। मुझे देने से पहले उसने मुझे वार्न किया और मैंने कहा जानती हूँ, फिर भी ट्राई करूंगी। सो आई ट्राइड इट। मुझे भी वैसे ही फील हुआ जैसा पहली बार ट्राई करने पर होता है। मैंने कहा ये तो अच्छा है। चल अब ड्रिंक हो जाए। ऐसा फील हुआ जैसे आई वॉज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। गपशप होने लगी, शॉट्स रहे, मानो हमारी नींद उड़ गई थी। मुझे तो मजा आ रहा था। आठ हफ्तों के बाद वो फन से बढ़कर कुछ हो गया था और फिर दो महीने बाद वो फन भी नहीं रहा। आपको लगता है कि आप ड्रग को कंट्रोल कर रहे हैं पर होता उल्टा है। मैंने एक बार में काम करना शुरू कर दिया। दैट वॉज अ स्ट्रिप क्लब और यहीं से मेरी लाइफ पटरी से उतरने लगी। जस्ट स्टे वेयर यू आर। मैं तेजी से राह से भटकने लगी। मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी बिखरती जा रही है। कोकेन से मेरी फैमिली पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। मैं बच्चों से नहीं मिल पाती थी। मैं अक्सर अपनी मॉम से उन्हें संभालने को कहने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे इस हाल में देखें, खुद को बर्बाद करते हुए। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं इस जिंदगी को और ज्यादा नहीं सह सकती थी। और मुझे लगा मुझे बदलना होगा। आई नीड हेल्प। मैंने अपने फ्रेंड सीपा को कॉल किया और कहा आई नीड योर हेल्प। सीपा और लूसियो मेरे फ्रेंड्स थे और मैं उन्हें दो साल से जानती थी। वो कनाडा में बिजनेस पार्टनर्स थे पर थे वो कोलंबिया से।
वो ड्रिंक नहीं करते, वो ड्रग्स नहीं लेते। मैं सीपा और लूसियो के साथ खूब एंजॉय करती थी। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, स्पेशली सीपा, क्योंकि उसके साथ होने के लिए मुझे ड्रग्स या नशे की जरूरत नहीं थी। आई कैन बी मी। मुझे याद है उसने मुझसे कहा था, तुम स्ट्रॉन्ग लड़की हो, तुम्हें इस लाइफ से फ्री होना होगा। और वो मुझसे बार बार कहता था, कोलंबिया चलो हमारे पास, तुम वहाँ मेरी फैमिली से मिलो, मेरे फ्रेंड से मिलो, किसी चीज की फिक्र मत करो, जस्ट बाय अ प्लेन टिकट टाबी। सोच के बताऊंगी। लेकिन उस पल मैंने फैसला किया और मैंने कहा, मैं तैयार हूँ, मुझे वेकेशन चाहिए, प्लीज हेल्प मी। मुझे इसकी सख्त जरूरत थी, जो लाइफ मैं जी रही थी उससे दूर जाना चाहती थी। हाँ, मैं आ रही हूँ। और बस यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। बोगोटा, कोलंबिया। मुझे याद है मैं एयरपोर्ट से बाहर आ रही थी। मैं सीपा से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन वो वहाँ था ही नहीं। और मैंने देखा लूसियो वहाँ था, लूसियो मुझे लेने आया था। मैं थोड़ी डिसअपॉइंट हुई। वेलकम टू कोलंबिया। मुझे लग रहा था कि वो समझ गया है कि मैं उसे देखकर उतना खुश नहीं हूँ जितना कि सीपा को देखकर होती। लाओ बैग मुझे दे दो। लेकिन लूसियो हमेशा की तरह एक परफेक्ट जेंटलमैन था। वो हमेशा मेरा बैग कैरी करता था। उसने कहा कि हमें बस पकड़नी है। हम पैम्पलोना पहुंचे और मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैंने जैसे ही सीपा को देखा, मैंने उसे जोर से हग किया, जितना पहले कभी नहीं किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। लगा जैसे कि वो बहुत खुश हुआ है। मैं सीपा के साथ मोटरबाइक पे बैठी हुई थी और मैंने उसे फास्ट चलाने के लिए कहा, 'cause आई लव स्पीड। मेरे बाल हेलमेट के बाहर से उड़ने लगे थे। मैं बहुत फ्री फील कर रही थी, इतना कि बता नहीं सकती। मेरे 2 हफ्ते पैम्पलोना में बहुत अच्छे रहे। मैंने खूब रिलैक्स किया और मैं थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी। सलूट। सलूट। हम एक बार में गए और हमने डांस किया। लेट्स डांस, कम ऑन। वहाँ कोई ड्रग्स नहीं थे, थैंक्स गुडनेस, क्योंकि अगर ऐसा हो तो मेरी विल का काफी हार्ड टेस्ट होता। उस पार्टी ने साबित कर दिया कि मैं ड्रग्स से दूर रह सकती हूँ। आई थिंक लूसियो मेरे और सीपा के बीच बढ़ती नजदीकियों पर नजर बनाए हुए था, और शायद इसी वजह से वो जेलस भी था। मैं रोमांस के लिए नहीं निकली थी, पर मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। मुझे लगा हमारा रिलेशनशिप अब फ्रेंडशिप से आगे निकल गया। पिछले 2 हफ्तों में जो हुआ, मैं उससे काफी खुश थी। लेकिन जिस दिन मुझे अपना प्लेन पकड़ना था, उसके एक दिन पहले सीपा ने मुझसे कहा कि वो मेरे साथ नहीं आ सकता। उसने कहा कि उसे कुछ काम निपटाना है। क्या बात कर रही हो? मैं बहुत ही अपसेट थी। उसने वादा किया था कि वो मेरे साथ घर चलेगा। उसने कहा, आई प्रॉमिस यू, जैसे ही मैं कनाडा लौटूंगा मैं तुमसे मिलने आऊंगा। मुझे उस पर यकीन था। इट्स फाइन, मैंने माफ किया। थैंक्स। और या हमारा गुड बाय उतना हैप्पी नहीं था जितना कि मैं चाहती थी, पर मैं स्ट्रांग रहने की कोशिश कर रही थी। आई वाज लाइक, ओके, मैं इसे दोबारा मिलूंगी, इट्स फाइन, यू नो। टैबी, कम ऑन, नहीं तो बस मिस हो जाएगी। लूसियो ने मुझसे कहा, डोंट वरी टैबी, मैं तुम्हें घर पहुंचाऊंगा। पर उसे जाना था कुकुटा उस रात, और वहां जाके अपने दोस्तों से मिलना था। और कल हम बोगोटा जाएंगे, जहां से तुम वापसी का प्लेन पकड़ोगी, ठीक है ना? ओके, ओके। उस पर शक करने की कोई वजह नहीं थी, सो आई वाज लाइक, लेट्स गो। तो हम पहुंचे कुकुटा में। हम बस स्टेशन से बाहर निकले, हमने ली कैब। Go
कम ऑन, हम बस पहुंचे हुए। हम एक घर के आगे रुके। क्या हाल है? मैं अंदर गई लूसियो के साथ। कहाँ है सब लोग? अच्छा यहाँ हो। और वहाँ चार आदमी दिखे, मैं कुछ समझ नहीं पाई। इंट्रोडक्शन हुआ, ये है टैबी, ये है मेरे दोस्त, ये ग्रिंगो, ये ग्रिंगा, उधर है पातो, और ये है, ये मेरे बॉस है। बॉस? उस रूम से जो वाइब मिल रही थी वो अजीब थी, मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा। मुझे देखकर वो खुश नहीं थे और मेरी इनिशियल फीलिंग ये थी कि कुछ गड़बड़ जरूर है। मैं उसके बारे में सोचना नहीं चाह रही थी जो मेरा दिमाग कह रहा था कि मैं डोर से बाहर निकलूं और बस पकड़ के निकल जाऊं। ये लोग तो यहाँ पहले से पार्टी कर रहे हैं, तुम कुछ लोगी बिहेवियर टैबी? तो मैंने लूसियो से कहा, मैं फिलहाल बहुत थक गई हूँ तो मैं सोऊंगी, तो क्या तुम मुझे मेरा रूम दिखा दोगे? हाँ ऊपर चलो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उस सिचुएशन में, पर मेरा पूरा फोकस घर जाने पर लगा था। बस एक मैट्रेस पड़ी थी जमीन पर, भी नहीं था। स्वीट ड्रीम्स, कुछ चाहिए तो आवाज देते ना मुझे, मैं नीचे। वो 2020 की सिचुएशन थी, लगा जो दिमाग कह रहा था वो कर लेना चाहिए था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं अगली सुबह उठी और अपना बैग लेकर नीचे उतरने लगी। एक चीज जो मैंने नोटिस की कि लूसियो मेरी हेल्प नहीं कर रहा था बैग उठाने में, वो हमेशा हमेशा बैग उठाता था। मैं नीचे पहुंची और लूसियो ने कहा, एक प्रॉब्लम है। ये क्या कह रहे हो, क्या प्रॉब्लम, व्हाट इज इट? उसने कहा, यू कैन गो होम। एंड आई वाज लाइक, क्या, व्हाट डू यू मीन? मैंने बताया ना, हमारी एक प्रॉब्लम है, यू कांट गो होम। हाँ मैं सुन चुकी हूँ प्रॉब्लम, पर प्रॉब्लम है क्या? उसने कहा, तुम घर जा सकती हो लेकिन अपने साथ ले जाने होंगे ड्रग्स। तबिथा से कहा गया कि उसको कनाडा ड्रग्स लेके जाना ही पड़ेगा। ये सुनकर मैं शॉक्ड रह गई क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है। लूसियो कम ऑन, मेरी बात को मजाक में मत लो, ये लोग बहुत खतरनाक है। पर अब समझ में आने लगा था कि वो सीरियस था। नहीं, मैं कोलंबिया इसीलिए आई थी ताकि मैं ड्रग्स से दूर रहूं। मैंने उससे कहा कि मैं ड्रग्स लेके नहीं जाऊंगी। इस पर उसने मुझसे कहा, तुम्हारे पास ना तो पैसे हैं और ना ही तुम स्पेनिश का एक भी वर्ड बोल सकती हो, और तुम तो ये भी नहीं जानती हो कि बोगोटा कैसे जाना है, तो प्लेन कैसे पकड़ी? लूसियो प्लीज। लूसियो वो सब होने से पहले एक परफेक्ट जेंटलमैन था, और तब I don't even know him. Oh God, my God. मैं अपने रूम में लौट गई। मैंने अपना फोन निकाला पर उसमें इंटरनेशनल मिनट्स ही नहीं थे। मैं कोई कॉल्स नहीं कर सकती थी। फोन किसी काम का नहीं रहा था। आई एम इन दिस सिचुएशन एंड आई कैन गेट आउट ऑफ इट। टैबी? फिर थोड़ी देर बाद। तो तुमने अपना इरादा बदला? नो, मैं कनाडा ड्रग्स लेके नहीं जाऊंगी। और मैंने कहा, मैं ड्रग्स कैरी नहीं करूंगी। मैंने उसे फिर पूछा, मुझे जाने दो, मुझे बस एक बस में बिठा दो, मैं बोगोटा खुद चली जाऊंगी। और मैंने उसे कहा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, आई वॉन्ट से एनीथिंग। नो, और उस दिन शाम को मुझे एहसास हुआ कि इस वक्त तो मैं अपना प्लेन पकड़ रही होती, 6 घंटे की फ्लाइट के बाद घर पहुंच जाती, बच्चों के पास, अपनी मॉम के पास, फैमिली के पास।
लेकिन अब मैं घर नहीं जाने वाली थी। उस रात मैं रोते रोते सो गई, इस उम्मीद के साथ कि जब उठूं तो शायद ये एक बुरा सपना हो। उस वक्त लूसियो बहुत दबाव डाल रहा था ये जानने के लिए कि मैंने अपना इरादा बदला कि नहीं। टैबी, बस तुम्हारे पास यही एक तरीका है। और मैं उसे मना करती रही। मेरी माँ मेरे आने का इंतजार कर रही होंगी। मैंने उसे कहा कि अगर कॉल नहीं करने दिया तो फिर ध्यान रखना, मेरी माँ अथॉरिटीज में कॉल कर देंगी। क्या यही चाहते हो? तो लूसियो ने ये डिसाइड किया कि ये बेटर आइडिया है कि मैं कॉल करूँ अपनी मॉम को। लूसियो मेरे लेफ्ट में था और उसने मेरी आर्म बहुत कस के पकड़ी हुई थी। मैं यहाँ वहाँ देख रही थी, मैं सोच रही थी शायद मैं किसी को बता सकती हूँ, शायद मैं किसी को इशारा दूँ दैट आई नीड हेल्प। टैबी, दोबारा ऐसा मत करना, ओके? पर मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि मैं किसी दूसरी कंट्री में थी जहाँ लोग शायद समझ ना पाए जो मैं उन्हें बताना चाहूँ कि मैं ट्रबल में हूँ और मुझे हेल्प चाहिए, कि इन लोगों ने मुझे कैद कर रखा है। टैबी, अपनी मॉम को कुछ भी मत बताना, बस इतना बताना कि तुम घर नहीं आ सकते क्योंकि तुम्हें काफी मजा आ रहा है। मैंने नंबर डायल किए। हे मॉम, मैं अपनी मॉम से बात कर रही थी, मैं उन्हें बताना चाह रही थी, मैं बताना चाह रही थी कि मैं मुसीबत में हूँ। मॉम, मैं घर आना चाह रही हूँ पर मैं आ नहीं सकती। आई मिस यू गाइस, प्लीज समझो, मैं मुसीबत में हूँ, मैं घर नहीं आ सकती। तब मैंने सोचा कि मैं उन्हें कुछ और बताती हूँ, पर आपको समझना होगा कि मैं घर आना चाहती हूँ। लूसियो ने तभी फोन काट दिया। मुझे पता है तुम क्या कहना चाह रही थी, मैंने मना किया था ना, समझ नहीं आया? मुझे वक्त का कोई ख्याल नहीं रहा, दिन कब पूरा हो जाता था पता ही नहीं चलता था। हर दिन लूसियो मुझसे पूछता था, इरादा बदला तुमने? और जितना मुश्किल मेरा घर लौटना था उतना ही मुश्किल अपनी बात पे अड़े रहना था। तो तुमने अपना इरादा बदला टैबी? नो, आई थिंक मैं उसे उसके बॉस और उसके दोस्तों के सामने एम्बैरेस कर रही थी। फाइन टैबी, फाइन। मेरे ख्याल से उसने उनसे कहा था कि मैं मान जाऊंगी और उनकी बात मानकर उनका काम कर दूंगी। कोशिश कर रहा हूँ ना, पर मैं अपनी जिद पर अड़ी रही और शायद इस बात से वो चिढ़ गया। तीसरा हफ्ता शुरू हो गया था और मैं बहुत कमजोर हो गई थी क्योंकि वो मुझे खाने को कुछ दे नहीं रहे थे। आई एम सो वीक, फिर भी मैं हार नहीं मानना चाहती थी। तो मैं उस रात नीचे गई और मैंने उनसे थोड़ा जूस मांगा। लूसियो, मुझे कुछ मीठा चाहिए था, पानी से काम नहीं चलता। टैबी, मुझसे कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ, क्या मुझे कुछ खाने को या पीने को मिल सकता है? पीने को कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ, मैं देता हूँ ना कुछ पीने के लिए। हाँ, थैंक यू। उसने मुझे खाना नहीं दिया पर वो मुझे जूस देने को तैयार तो था। मैंने जूस के लिए हाँ कर दी। मैंने जूस लिया और मैं उसे पी गई। वो मुझे कुछ तीखा सा लगा। अच्छा है, और चाहिए? लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि कुछ दिन से मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला था। इतने दिनों तक मुझे सिर्फ पानी ही दिया जा रहा था। क्या डाला था तुम्हें? और चाहिए जूस? उसने मुझे जो भी दिया था वो बहुत स्ट्रांग था। उसमें क्या था? जूस। उसने मेरे जूस में ड्रग्स मिला दी थी। उसमें क्या था?
No. No. कहाँ जा रही हो डैफी? रुको रुको रुको. और मैं ऊपर अपने रूम में जाने लगी. मैंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, पर हैफे ने दरवाजा बंद नहीं होने दिया. मुझे बेड पे धक्का दिया. मुझे तो याद भी नहीं वो कब तक चलता रहा. अमिता को कोलंबियन ड्रग गैंग ने उसकी मर्जी के खिलाफ रोक रखा है. उसको कई बार ड्रग्स देकर रेप किया गया. अगली सुबह मेरी आंख खुली. मुझे सारे फ्लैशबैक्स आने लगे जो भी मेरे साथ हुआ था. फ्रॉम द मोमेंट इट बिगैन टू द मोमेंट इट एंडेड. मैं कमजोर महसूस कर रही थी, एकदम टूटी हुई थी एंड नम. मैं 3 बार नहाई. स्किन को तब तक रगड़ती रही जब तक वो लाल नहीं हो गई. आई एम रेड लाइक ए लॉबस्टर. मैं पिछली रात को अपने ऊपर लगे हर दाग को धो देना चाहती थी. आई फेल डर्टी. मैं डर गई थी. मैं बस घर जाना चाहती थी, अपने बच्चों को गले लगाना चाहती थी. मैं सिर्फ अपने घर जाना चाहती थी. लेकिन मैं ड्रग्स भी नहीं लेके जाना चाहती थी. ऐसे में मैं क्या करती? अगली सुबह लूसियो ने मुझसे पूछा, क्या अब मैं तैयार हूं? वही सवाल जो वो हर रोज पूछता था. तुम घर जा सकते हो मगर हमारे ड्रग्स के साथ. पर इस बार उसने कहा, वेट. बात ध्यान से सुनो, अगर तुम अब भी अपने साथ ड्रग्स नहीं ले जाओगी तो कभी घर नहीं जा पाओगी. और मेरे दोस्तों को तो पैसा बनाना है किसी भी तरह. चाहे भी तुम्हें पता है तुम बहुत ब्यूटीफुल हो कनेडियन वुमन. तुमसे पैसा बनाने के बहुत से तरीके हैं. मैं उसका मतलब समझ गई थी. वो लोग मुझे प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल देते अगर मैं उनके ड्रग्स अपने साथ लेके नहीं जाती. बोलो टैबी, आप क्या कहती हो? तो उस मोमेंट में मैंने फैसला किया कि मैं ड्रग्स लेके जाऊंगी. आई थिंक यही तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है. शाबाश. ड्रग्स को स्मगल करने के तैयार होने के बाद ओके टैबी, लूसियो रूम में आया एक बॉस के साथ. तुम बस वही करना जो मैं तुमसे कहूंगा, काम हो जाएगा. लूसियो ने बॉक्स खोला और उसमें से निकाली एक बैली. देखो ड्रग्स हम इसमें रखेंगे, इस फेक प्रेग्नेंट बैली में. उसने मेरे पेट पर बैली लगाई और मैंने उसे देखा. And I'm like, are you serious? ये असली नहीं है, ये असली नहीं लग रहा. शाला, चुप खड़ी रह. और तब वो ड्रग्स लेकर आया, 2 ब्लैक पैकेट्स. हाथ ऊपर, कम ऑन. उन्होंने मेरी बॉडी से एकदम टाइट करके बांधा. बहुत चुभ रही थी. फिर वो टेप्स लपेटते गए मेरे ब्रेस्ट्स के नीचे से लेकर बेली के बीच में से और फिर पेल्विक एरिया तक. और जब जब मैं सांस लेती थी तब तब लगता था कि जैसे मेरा दम घुट रहा है. ब्यूटीफुल, दैट्स नाइस. अच्छा लग रहा है ना? ऑलराइट, दिस इज ब्यूटीफुल. सही फिट हो गया?
हम एयरपोर्ट जाएंगे, सिक्योरिटी को पार करोगी तुम और कनाडा के लिए फ्लाई करोगी। एकदम सिंपल है ये। मुझे पता था इनका प्लान चलने वाला नहीं है। मैंने 17 घंटे तक लूसियो के साथ एक के बाद एक बस में सफर किया। मेरी हालत बहुत खराब थी क्योंकि मैंने 3 हफ्ते से कुछ नहीं खाया था। बारह घंटे के बाद गाड़ी रुकी, वो था पुलिस चेक पॉइंट। एक पुलिस ऑफिसर बस के अंदर आया, आईडी दिखाओ अपनी, और वो सबके आईडी चेक करने लगा। मैं बहुत डर गई थी क्योंकि मैं ड्रग्स कैरी कर रही थी और ये मैं जानती थी वो नहीं। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था पर मैं डरी हुई थी। मुंह बंद रखना वरना खून खराबा हो जाएगा। पुलिस ऑफिसर हमारी तरफ आया और प्लान के हिसाब से सिर्फ लूसियो ने ही बात की। हेलो सर, आईडी दूसरी इनकी है। मेरे अंदर से आवाज आ रही थी, टेल हिम, टेल हिम। और उस वक्त मैं लूसियो से डर गई थी क्योंकि वो कभी भी कुछ भी कर सकता था। थैंक यू सर। मैंने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि मैं बुरी तरह डरी हुई थी, मैं डरपोक थी। कुछ भी करने का मैंने अपना पहला चांस खो दिया। तबिता को कोलंबिया से कनाडा ड्रग्स ले जाने के लिए फोर्स किया गया। ये ड्रग्स उसकी फेक प्रेग्नेंट बेली में छुपाए गए हैं। बौखलाओ मत डेबी। एयरपोर्ट पे पहुंचकर मैं बौखला गई। लूसियो ने मुझे बहुत देर तक झूठ मूठ का हक किया। मेरी स्किन खिंच रही थी, मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे टच भी करे। मुझे उससे नफरत हो रही थी। मैं उसे ढकेलती पर वो पकड़ लेता। फिर वो मुझसे बोला, हमारी नजर रहेगी तुम पर डेबी, कोई चालाकी नहीं चाहिए। ओके, चलते चलो जाओ। आप अडियोस मेमोर। अडियोस। चेक इन करने पर मैंने अपने आसपास देखा और सोचा कि मुझे यहां से निकलना होगा, और फिर मैं बाथरूम की तरफ भागी ये सोचते हुए कि मैं ये बैली निकाल दूंगी। डोर तक मैंने ढूंढा एक एम्प्टी स्टॉल। मैं फौरन अपनी शर्ट उठाई। मैं कोशिश कर रही थी कि वो हट जाए पर वो हटी नहीं। उसे ना हटाने की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी। मेरे पास सिजर्स नहीं थी कि जिससे मैं टेप काटती। मैंने अपने क्रेडिट कार्ड्स निकाले और उनसे टेप काटने की कोशिश की, और मैं उसे हटाने की पूरी कोशिश कर रही थी पर वो हिल ही नहीं रहा था। मैंने घड़ी देखी और मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे वो प्लेन पकड़ना था। वो चीज हटाने का मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। और तब मैंने डिसाइड किया कि इमिग्रेशन से किसी भी तरह निकलना होगा। मैं बाथरूम से निकली और इमिग्रेशन के एंट्रेंस तक पहुंची। और पुलिस ऑफिसर मेरा वेट कर रही थी। मैं धीरे धीरे उनके पास गई।
उसने मुझे हाथ ऊपर करने का इशारा किया और फिर उसने चेकिंग शुरू की मेरे अंडर आर्म से और फिर वो नीचे की तरफ चेक करने लगी। फिर वो बेली की तरफ पहुंची और आगे से थपकने लगी और फिर वो मिडिल पार्ट तक पहुंची फेक बेली के और वहीं पर रुक गई। उसकी आंखों से लग रहा था कि उसे पता है कि कुछ गड़बड़ है। उसने इशारा किया और कहा वेट, तुम अभी यहीं रुको ठीक है, और फिर वो अपने कोवर्कर से कुछ कहने गई। डर से मेरी जान निकल रही थी एंड आई न्यू इट वॉज ओवर। फिर उसने कहा पासा पासा यू कैन गो और मैंने कहा आर यू सीरियस, कम ऑन चली 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 चलिए। मैं इमिग्रेशन से आगे बढ़ी, उन्होंने मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप लगा दिया और मैं सोच रही थी अब एयरप्लेन में बैठूंगी, मे बी जस्ट मे बी आई गेट होम। मैं अपने प्लेन की तरफ वॉक करने लगी। hey, सुनिए मिस, रुकिए जरा। मैं रुक गई, मैंने पीछे मुड़के देखा, भागने का कोई फायदा नहीं था, सब खत्म हो गया था। वो लोग आए, मुझे पकड़ लिया एंड देन वी गेट टू दिस रूम। मैं अंदर गई और वहां पहले से तीन ऑफिसर्स थे, इनके सामान की और इनकी अच्छी तरह तलाशी लो। वो आपस में बात कर रहे थे और मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था। निकालो इसे। और उसके बाद वो मेरी बेली के टेप्स काटने लगी धीरे धीरे, और फिर जब उसने टेप खींचा तो बहुत दर्द हुआ। फाइनली उन्होंने वो बेली हटाई। अंदर देखा तो उन्हें दो पैकेट दिखाई दिए ऑफ द ड्रग्स। लाओ ये पैकेट मुझे दो, देखते हैं क्या है। मुझे बस मेरे घर जाने दो। उन्होंने वो खोला और उसे चखा। प्लीज एंड दैट वाज कोकेन। आई जस्ट वांट टू गो होम। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, यू आर नॉट गोइंग होम। तबिता के पास से कोकेन मिलने के बाद उसे कोलंबिया में अरेस्ट कर लिया गया। मैं सीपा के बारे में सोचने लगी और उस वक्त के जो हमने साथ बिताया था। मैं उससे कितना क्लोज फील करने लगी थी और फिर तीन हफ्ते बाद उसकी हकीकत सामने आ गई और मुझे एहसास हुआ कि उसे मेरी फिक्र नहीं थी। He used me। और उसी बात का मुझे सबसे ज्यादा अफसोस था, उसने मेरा दिल निकाल कर उसे कुचल दिया था। उसने मेरे साथ वो सब होने दिया जो हुआ। ये तो उससे भी खराब था जो लूसियो ने मेरे साथ किया था। मुझे वो स्टेशन लेके गए और मुझ पे चार्जेस लगाए। मैं उस बिल्डिंग में गई जहां मुझे होल्डिंग सेल्स में रखा जाना था। मुझे एक ऐसी लॉबी से लेके गए जहां पे बहुत सारे लोग थे, प्रोस्टिट्यूट्स थी, यूरिन की बदबू आ रही थी, पसीने की बदबू थी। मैं कोशिश कर रही थी कि मेरा पैर किसी पे ना पड़ जाए, मैं गिर ना जाऊं या वॉल से टच ना हो जाऊं। फिर मुझे दरवाजे के अंदर ले जाया गया, मुझे सेल में ले गए एंड इट्स फिल्ड विद मैन। नो, नो। और मैं यही सोच रही थी कि मैं 16 मैन, मुझे कौन प्रोटेक्ट करेगा। मैं बहुत डर गई थी, मेरा फियर था कि वो मुझे हर्ट करेंगे, मेरा रेप करेंगे। मैं नहीं चाहती थी मेरे साथ फिर से वो सब हो। तभी वहां एक आदमी आया
मैंने सुना था कि एक कनेडियन लड़की यहाँ पे आ रही है। Please, just leave me alone, please. मैं कुछ नहीं करूँगा, just relax. उसने बेसिकली सबको बता दिया कि मुझसे कोई बात ना करे जब तक मैं खुद बात ना करूँ, मेरे पास कोई ना आए जब तक वो कमरे में है। सुन लिया ना? सुना कि नहीं? सुन लिया। वो काफी प्रोटेक्टिव था। जो कुछ हुआ मुझे बताओ, ओके? मेरा नाम फ्रैंक है, what's your name? Tabitha. क्या कहा? Tabitha. Oh my God, तुम्हारे पेरेंट्स ने कैसा नाम रखा है? ऐसा भी कोई नाम होता है? ये हुई ना बात, अब चेहरे पे स्माइल आ गई। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों? क्यों तुम मुझसे इतने पोलाइट हो? उसने कहा, मैं तुम्हारी बस मदद करना चाहता हूँ, मैं बदले में कुछ भी नहीं चाहता, मैं बस फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। चलो फाइनली कोई तो था जो मेरे साथ खड़ा था, और उसके कनेक्शन थे। उसने कहा कि लॉयर दिलाएगा। उस मेरी तब मदद की जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो मेरे साथ तब हमदर्द था जब मेरे सब दुश्मन थे। 8 दिनों के बाद मुझे बोगोटा के वुमेन प्रिजन में ट्रांसफर कर दिया गया। मेरे जाने से ठीक पहले फ्रैंक ने मुझे बड़ा सा हक दिया एंड विश्ड मी लक, और उसने मुझे कुछ पैसे दिए। वो जरूर मेरा गार्डियन एंजल था। टेक केयर। जेल जाने के नाम पर मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे आइडिया नहीं था क्या होगा, और मैं घबरा रही थी। एल्बुइन पास्टोर मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन। क्योंकि मैं करीब 2 किलो कोकेन ले जा रही थी, तो मेरा अंदाजा था कि 8 से 12 साल की प्रिजन होगी। हम पहुंचे उस डरावनी कोल्ड लाइफलेस प्रिजन में। मैं बहुत ही छोटा फील कर रही थी, और मैं अंदर नहीं जाना चाहती थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और रियलाइज किया कि दैट्स इट, मैं यहीं पर रहने वाली हूं। मुझे घुटन हो रही थी। मुझे एक सेल में ले जाया गया। क्या मैं कभी बाहर आ पाऊंगी? Who knows? खाना ले लो। वो मुझे खाना देते थे, पर मुझसे नहीं खाया जाता था। भूख मर गई थी। मैं दरवाजे को पीट कर उनसे कहना चाहती थी कि जाने दो मुझे, मैं नहीं जानती थी मैं जिंदा रह पाऊंगी कि नहीं। मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन कोलंबिया में तबिता रिची 12 साल की सजा काट रही है। पहले 2 महीनों के बाद मेरा स्टेट ऑफ माइंड काफी डिस्टर्ब था। मैं टूट चुकी थी। ऐसा लगता था कि मैं बिल्कुल सरवाइव नहीं कर पाऊंगी इन 12 सालों में। मैं बहुत ही सुसाइडल हो गई थी। मैं बस यही सोचती थी कि मैं किस तरह से अपनी जिंदगी खत्म कर सकती हूं। तो मैंने सोचा कि अगर हिम्मत से काम लूं तो छत पे जाके जंप कर सकती हूँ। मैं सोचती थी कि मैं सर के बल गिरूं ताकि मेरा सर जमीन से टकराए और मैं ज्यादा देर तक तड़पू ना। और उस दिन मुझे इस सब का मौका मिल भी गया। मैं स्टेयर से ऊपर गई और टॉप तक पहुंची। मैं सोच रही थी कि मैं कूद जाऊंगी जैसे ही कोई गार्ड मुझे शूट करेगा।
अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगी। मैं सोच रही थी वो मेरे बिना कैसे रहेंगे। पर अचानक कुछ ध्यान आया कि अगर मैं खुद को मार दूंगी तो इससे मैं अपने बच्चों के सामने क्या प्रूफ करूंगी। और मैंने अपना इरादा बदल दिया। सिगरेट पीते हुए मेरे दिमाग में आया, मैं सोच रही थी मैं तो सर्वाइवर हूं, आई कैन डू दिस। हाँ मैं खराब हूं, मैंने बहुत ही हॉरिबल मिस्टेक्स किए हैं, कुछ हॉरिबल डिसीजंस लिए हैं। अगर जीने का दूसरा चांस मिले तो मैं उसे अच्छे से इस्तेमाल करूंगी। मैं घर जाऊंगी अपने बच्चों के पास, मैं अच्छी इंसान बनूंगी, अच्छे डिसीजंस लूंगी। सुसाइड ना करने और उसका सामना करने का फैसला करने के बाद मैं अपने लॉयर से मिली, जिससे मुझे फ्रैंक ने मिलवाया था। तुम ठीक तो हो ना? और उसने मुझे बताया कि वो उन लोगों का पता नहीं लगा पाए जिन्होंने मुझे फंसाया था, और इसके अलावा मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था। मैं जज के सामने कुछ प्रूव नहीं कर सकती थी, तो उसने मुझे बताया कि समझदारी इसी में है कि मैं एक्सेप्ट कर लूं अपली बार्गेन, ताकि मेरी सजा कम हो जाए। तो आई टुक द प्ली बार्गेन। मैंने मान लिया कि मैं गिल्टी हूं, क्योंकि मैं थी गिल्टी। आई वॉज कैरिंग दोज ड्रग्स। मेरी लॉयर ने मुझे बताया कि मेरी सजा 4 साल की हो सकती है विद हाउस अरेस्ट। सच में? हाँ, मैं यही तो चाहती थी, अपनी लाइफ लाइन, क्योंकि मैं समझ गई थी मैं नहीं झेल पाऊंगी इतने साल की सजा, 8 to 12 years बिहाइंड द बार्स। पर मैं जानती थी कि मैं सरवाइव कर सकती हूँ 4 years एंड हाउस अरेस्ट, और इससे मेरी जिंदगी पे फर्क पड़ा। अंधेरी जिंदगी में उम्मीद की एक किरण जगी। महीनों बाद तबिता को जेल से रिलीज कर दिया गया। बाकी की सजा वो कोलंबिया में हाउस अरेस्ट में काटेगी। मेरे चेहरे पर एक स्माइल थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अब मैं यहाँ से बाहर जाऊंगी तो वापस नहीं आऊंगी। तबिता अपनी फैमिली से सितंबर 2017 में ही मिल पाएगी। वेलकम, ये है मेरा घर। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मैं अपने बच्चों और अपनी माँ के पास चली जाऊँ। ये है लिविंग रूम, और यहाँ पर ये है किचन। मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब मैं बच्चों को गले से लगाऊंगी। और ये है मेरा कोजी सा बेडरूम, इसी उम्मीद पे जिंदा हूँ, इसी तरह हालात से लड़ रही हूँ, क्योंकि मेरी एक फैमिली है जिसे मेरा इंतजार है। बस तुम वहां मेरी फैमिली से मिलो, मेरे फ्रेंड से मिलो, किसी चीज की फिक्र मत करो, जस्ट बाय अ प्लेन टिकट। टैबी, सोच के बताऊंगी। लेकिन उस पल मैंने फैसला किया और मैंने कहा मैं तैयार हूँ, मुझे वेकेशन चाहिए, प्लीज हेल्प मी। मुझे इसकी सख्त जरूरत थी, जो लाइफ मैं जी रही थी उससे दूर जाना चाहती थी। हाँ, मैं आ रही हूँ। और बस यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। बोगोटा, कोलंबिया। मुझे याद है मैं एयरपोर्ट से बाहर आ रही थी। मैं सीपा से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन वो वहाँ था ही नहीं। और मैंने देखा लूसियो वहाँ था, लूसियो मुझे लेने आया था। मैं थोड़ी डिसअपॉइंट हुई। वेलकम टू कोलंबिया। मुझे लग रहा था कि वो समझ गया है कि मैं उसे देखकर उतना खुश नहीं हूँ जितना कि सीपा को देखकर होती। लाओ बैग मुझे दे दो। लेकिन लूसियो हमेशा की तरह एक परफेक्ट जेंटलमैन था। वो हमेशा मेरा बैग कैरी करता था। उसने कहा कि हमें बस पकड़नी है।
पाब्लो ना पहुंचे और मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैंने जैसे ही सीपा को देखा मैंने उसे जोर से हक किया जितना पहले कभी नहीं किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, लगा जैसे कि वो बहुत खुश हुआ है। मैं सीपा के साथ मोटरबाइक पे बैठी हुई थी और मैंने उसे फास्ट चलाने के लिए कहा, 'cause आई लव स्पीड। मेरे बाल हेलमेट के बाहर से उड़ने लगे थे, मैं बहुत फ्री फील कर रही थी, इतना कि बता नहीं सकती। मेरे दो हफ्ते पैम्पलोना में बहुत अति रहे, मैंने खूब रिलैक्स किया और मैं थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी। सलूट सलूट। हम एक बार में गए और हमने डांस किया। लेट्स डांस, कम ऑन। वहाँ कोई ड्रग्स नहीं थे, थैंक्स गुडनेस, क्योंकि अगर ऐसा हो तो मेरी विल का काफी हार्ड टेस्ट होता। उस पार्टी ने साबित कर दिया कि मैं ड्रग्स से दूर रह सकती हूँ। आई थिंक लूसियो मेरे और सीपा के बीच बढ़ती नजदीकियों पर नजर बनाए हुए था और शायद इसी वजह से वो जेलस भी था। मैं रोमांस के लिए नहीं निकली थी पर मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। मुझे लगा हमारा रिलेशनशिप अब फ्रेंडशिप से आगे निकल गया। पिछले दो हफ्तों में जो हुआ मैं उससे काफी खुश थी, लेकिन जिस दिन मुझे अपना प्लेन पकड़ना था उसके एक दिन पहले से करने लगी। एक चीज जो मैंने नोटिस की कि लूसियो मेरी हेल्प नहीं कर रहा था बैग उठाने में, वो हमेशा हमेशा बैग उठाता था। मैं नीचे पहुंची और लूसियो ने कहा, एक प्रॉब्लम है। ये क्या कह रहे हो, क्या प्रॉब्लम, व्हाट इज इट? उसने कहा, यू कैन गो होम। एंड आई वाज लाइक, क्या, व्हाट डू यू मीन? मैंने बताया ना, हमारी एक प्रॉब्लम है, यू कांट गो होम। हाँ मैं सुन चुकी हूँ प्रॉब्लम, पर प्रॉब्लम है क्या? उसने कहा, तुम घर जा सकती हो लेकिन अपने साथ ले जाने होंगे ड्रग्स। तबिता से कहा गया कि उसको कनाडा ड्रग्स लेके जाना ही पड़ेगा। ये सुनकर मैं शॉक्ड रह गई क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है। लूसियो कम ऑन, मेरी बात को मजाक में मत लो, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। पर अब समझ में आने लगा था कि वो सीरियस था। नहीं, मैं कोलंबिया इसीलिए आई थी ताकि मैं ड्रग्स से दूर रहूं। मैंने उससे कहा कि मैं ड्रग्स लेके नहीं जाऊंगी। इस पर उसने मुझसे कहा, तुम्हारे पास ना तो पैसे हैं और ना ही तुम स्पेनिश का एक भी वर्ड बोल सकती हो, और तुम तो ये भी नहीं जानती हो कि बोगोटा कैसे जाना है, तो प्लेन कैसे पकड़ी? लूसियो प्लीज। लूसियो वो सब होने से पहले एक परफेक्ट जेंटलमैन था और तब I don't even know him. Oh God, my God. मैं अपने रूम में लौट गई। मैंने अपना फोन निकाला पर उसमें इंटरनेशनल मिनट्स ही नहीं थे। मैं कोई कॉल्स नहीं कर सकती थी। फोन किसी काम का नहीं रहा था। आई एम इन दिस सिचुएशन एंड आई कैन गेट आउट ऑफ इट। डेबी, फिर थोड़ी देर बाद तो तुमने अपना इरादा बदला? नो, मैं कनाडा ड्रग्स लेके नहीं जाऊंगी। और मैंने कहा, मैं ड्रग्स कैरी नहीं करूंगी। मैंने उसे फिर पूछा, मुझे जाने दो, मुझे बस एक बस में बिठा दो, मैं बोगोटा खुद चली जाऊंगी। और मैंने उसे कहा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, आई वॉन्ट से एनीथिंग। नो, असर पड़ रहा था, मैं बच्चों से नहीं मिल पाती थी। मैं अक्सर अपनी मॉम से उन्हें संभालने को कहने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे इस हाल में देखें, खुद को बर्बाद करते हुए। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी।
मैं इस जिंदगी को और ज्यादा नहीं सह सकती थी। और मुझे लगा मुझे बदलना होगा। आई नीड हेल्प। मैंने अपने फ्रेंड सीपा को कॉल किया और कहा आई नीड योर हेल्प। सीपा और लूसियो मेरे फ्रेंड्स थे और मैं उन्हें 2 साल से जानती थी। वो कनाडा में बिजनेस पार्टनर्स थे पर थे वो कोलंबिया से। वो ड्रिंक नहीं करते, वो ड्रग्स नहीं लेते। मैं सीपा और लूसियो के साथ खूब एंजॉय करती थी। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, स्पेशली सीपा, क्योंकि उसके साथ होने के लिए मुझे ड्रग्स या नशे की जरूरत नहीं थी। आई कैन बी मी। मुझे याद है उसने मुझसे कहा था, तुम स्ट्रॉन्ग लड़की हो, तुम्हें इस लाइफ से फ्री होना होगा। और वो मुझसे बार बार कहता था कोलंबिया चलो हमारे पास, तुम वहाँ मेरी फैमिली से मिलो, मेरे फ्रेंड से मिलो, किसी चीज की फिक्र मत करो, जस्ट बाय अ प्लेन टिकट टैबी। सोच के बताऊंगी। लेकिन उस पल मैंने फैसला किया और मैंने कहा मैं तैयार हूँ, मुझे वेकेशन चाहिए, प्लीज हेल्प मी। मुझे इसकी सख्त जरूरत थी। जो लाइफ मैं जी रही थी उससे दूर जाना चाहती थी। हाँ, मैं आ रही हूँ। और बस यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। बोगोटा, कोलंबिया। मुझे याद है मैं एयरपोर्ट से बाहर आ रही थी। मैं सीपा से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी लेकिन वो वहाँ था ही नहीं। और मैंने देखा लूसियो वहाँ था, लूसियो मुझे लेने आया था। मैं थोड़ी डिसअपॉइंट हुई। वेलकम टू कोलंबिया। मुझे लग रहा था कि वो समझ गया है कि मैं उसे देखकर उतना खुश नहीं हूँ जितना कि सीपा को देखकर होती। लाओ बैग मुझे दे दो। लेकिन लूसियो हमेशा की तरह एक परफेक्ट जेंटलमैन था। वो हमेशा मेरा बैग कैरी करता था। उसने कहा कि हमें बस पकड़नी। हम पैम्पलोना पहुंचे और मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैंने जैसे ही सीपा को देखा मैं अक्सर अपनी मॉम से उन्हें संभालने को कहने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे इस हाल में देखें, खुद को बर्बाद करते हुए। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं इस जिंदगी को और ज्यादा नहीं सह सकती थी। और मुझे लगा मुझे बदलना होगा। आई नीड हेल्प। मैंने अपने फ्रेंड सीपा को कॉल किया और कहा आई नीड योर हेल्प। सीपा और लूसियो मेरे फ्रेंड्स थे और मैं उन्हें 2 साल से जानती थी। वो कनाडा में बिजनेस पार्टनर्स थे पर थे वो कोलंबिया से। वो ड्रिंक नहीं करते, वो ड्रग्स नहीं लेते। मैं सीपा और लूसियो के साथ खूब एंजॉय करती थी। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, स्पेशली सीपा, क्योंकि उसके साथ होने के लिए मुझे ड्रग्स या नशे की जरूरत नहीं थी। आई कैन बी मी। मुझे याद है उसने मुझसे कहा था, तुम स्ट्रॉन्ग लड़की हो, तुम्हें इस लाइफ से फ्री होना होगा। और वो मुझसे बार बार कहता था कोलंबिया चलो हमारे पास, तुम वहाँ मेरी फैमिली से मिलो, मेरे फ्रेंड से मिलो, किसी चीज की फिक्र मत करो, जस्ट बाय अ प्लेन टिकट टैबी। सोच के बताऊंगी। लेकिन उस पल मैंने फैसला किया और मैंने कहा मैं तैयार हूँ, मुझे वेकेशन चाहिए, प्लीज हेल्प मी। मुझे इसकी सख्त जरूरत थी। जो लाइफ मैं जी रही थी उससे दूर जाना चाहती थी। हाँ, मैं आ रही हूँ। और बस यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। बोगोटा, कोलंबिया। मुझे याद है मैं एयरपोर्ट से बाहर आ रही थी। मैं सीपा से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी लेकिन वो वहाँ था ही नहीं। और मैंने देखा लूसियो वहाँ था, लूसियो मुझे लेने आया था। मैं थोड़ी डिसअपॉइंट हुई।
वेलकम टू कोलंबिया। मुझे लग रहा था कि वो समझ गया है कि मैं उसे देखकर उतना खुश नहीं हूँ जितना कि सीपा को देखकर होती। लाओ बैग मुझे दे दो। लेकिन लूसियो हमेशा की तरह एक परफेक्ट जेंटलमैन था। वो हमेशा मेरा बैग कैरी करता था। उसने कहा कि हमें बस पकड़नी। हम पैम्पलोना पहुंचे और मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैंने जैसे ही सीपा को देखा, मैंने उसे जोर से हग किया जितना पहले कभी नहीं किया। और मुझे बहुत अच्छा सिचुएशन में ढकेल देते अगर मैं उनके ड्रग्स अपने साथ लेके नहीं जाती। बोलो टैबी, आप क्या कहती हो? तो उस मोमेंट में मैंने फैसला किया कि मैं ड्रग्स लेके जाऊंगी। आई थिंक यही तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। शाबाश। ड्रग्स को स्मगल करने के तैयार होने के बाद ओके टैबी, लूसियो रूम में आया एक बॉक्स के साथ। तुम बस वही करना जो मैं तुमसे कहूंगा, काम हो जाएगा। लूसियो ने बॉक्स खोला और उसमें से निकाली एक बैली। देखो ड्रग्स हम इसमें रखेंगे, इस फेक प्रेग्नेंट बैली में। उसने मेरे पेट पर बैली लगाई और मैंने उसे देखा। And I'm like, are you serious? ये असली नहीं है, ये असली नहीं लग रहा। Shut up! चुप खड़ी रह। और तब वो ड्रग्स लेकर आया, दो ब्लैक पैकेट्स। हाथ ऊपर, come on। उन्होंने मेरी बॉडी से एकदम टाइट करके बांधा। बहुत चुभ रही थी। फिर वो टेप्स लपेटे गए मेरे ब्रेस्ट्स के नीचे से लेकर बेली के बीच में से और फिर पेल्विक एरिया तक। और जब जब मैं सांस लेती थी तब तब लगता था कि जैसे मेरा दम घुट रहा है। ब्यूटीफुल, दैट्स नाइस। अच्छा लग रहा है ना? ऑलराइट, दिस इज ब्यूटीफुल। सही फिट हो गया। हम एयरपोर्ट जाएंगे, सिक्योरिटी को पार करोगी तुम और कनाडा के लिए फ्लाई करोगी। एकदम सिंपल है ये। मुझे पता था इनका प्लान चलने वाला नहीं है। मैंने 17 घंटे तक लूसियो के साथ एक के बाद एक बस में सफर किया। मेरी हालत बहुत खराब थी क्योंकि मैंने 3 हफ्ते से कुछ नहीं खाया था। बारह घंटे के बाद गाड़ी रुकी। वो था पुलिस चेक पॉइंट। एक पुलिस ऑफिसर बस के अंदर आया। आईडी दिखाओ अपनी। और वो सबके आईडी चेक करने लगा। मैं बहुत डर गई थी क्योंकि मैं ड्रग्स कैरी कर रही थी और ये मैं जानती थी, वो नहीं। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था पर मैं डरी हुई थी। मुंह बंद रखना वरना खून खराबा हो जाएगा। पुलिस ऑफिसर हमारी तरफ आया और प्लान के हिसाब से सिर्फ लूसियो ने ही बात की। मुझे पता है तुम क्या कहना चाह रही थी। मैंने मना किया था ना, समझ नहीं आया? मुझे वक्त का कोई ख्याल नहीं रहा। दिन कब पूरा हो जाता था पता ही नहीं चलता था। हर दिन लूसियो मुझसे पूछता था, इरादा बदला तुमने? और जितना मुश्किल मेरा घर लौटना था उतना ही मुश्किल अपनी बात पे अड़े रहना था। तो तुमने अपना इरादा बदला टैबी? नो। आई थिंक मैं उसे उसके बॉस और उसके दोस्तों के सामने एम्बैरेस कर रही थी। फाइन फाइन टैबी फाइन। मेरे ख्याल से उसने उनसे कहा था कि मैं मान जाऊंगी और उनकी बात मानकर उनका काम कर दूंगी। कोशिश कर रहा हूँ ना। पर मैं अपनी जिद पर अड़ी रही और शायद इस बात से वो चिढ़ गया।
तीसरा हफ्ता शुरू हो गया था और मैं बहुत कमजोर हो गई थी क्योंकि वो मुझे खाने को कुछ दे नहीं रहे थे। आई एम सो वीक। फिर भी मैं हार नहीं मानना चाहती थी तो मैं उस रात नीचे गई और मैंने उनसे थोड़ा जूस मांगा। लुसियो, मुझे कुछ मीठा चाहिए था, पानी से काम नहीं चलता। डेवी, मुझसे कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ, क्या मुझे कुछ खाने को या पीने को मिल सकता है? पीने को कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ। मैं देता हूँ ना कुछ पीने के लिए। हाँ, थैंक यू। उसने मुझे खाना नहीं दिया पर वो मुझे जूस देने को तैयार तो था। मैंने जूस के लिए हाँ कर दी। मैंने जूस लिया और मैं उसे पी गई। वो मुझे कुछ तीखा सा लगा। अच्छा है? और चाहिए? लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि कुछ दिन से मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला था। इतने दिनों तक मुझे सिर्फ पानी ही दिया जा रहा था। क्या डाला था तुम्हें? और चाहिए जूस? उसने मुझे जो भी दिया था वो बहुत स्ट्रांग था। उसमें क्या था? उससे मेरे जूस में ड्रग्स मिला दी थी। उसमें क्या था? नो नो गॉड आर यू डैडी? रुको रुको रुको। और मैं ऊपर अपने रूम में जाने लगी। मैंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की। तुम मुझसे इतने पोलाइट हो? उसने कहा, मैं तुम्हारी बस मदद करना चाहता हूँ। मैं बदले में कुछ भी नहीं चाहता। मैं बस फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। चलो, फाइनली कोई तो था जो मेरे साथ खड़ा था और उसके कनेक्शंस थे। उसने कहा कि लॉयर दिलाएगा। उसने मेरी तब मदद की जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो मेरे साथ तब हमदर्द था जब मेरे सब दुश्मन थे। 8 दिनों के बाद मुझे बोगोटा के वुमेन प्रिजन में ट्रांसफर कर दिया गया। मेरे जाने से ठीक पहले फ्रैंक ने मुझे बड़ा सा हक दिया एंड विश्ड मी लक, और उसने मुझे कुछ पैसे दिए। वो जरूर मेरा गार्डियन एंजल था। टेक केयर। जेल जाने के नाम पर मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे आइडिया नहीं था क्या होगा और मैं घबरा रही थी। एल्बुइन पास्टोर मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन। क्योंकि मैं करीब 2 किलो कोकीन ले जा रही थी तो मेरा अंदाजा था कि 8 से 12 साल की प्रिजन होगी। हम पहुंचे उस डरावनी कोल्ड लाइफलेस प्रिजन में। मैं बहुत ही छोटा फील कर रही थी और मैं अंदर नहीं जाना चाहती थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और रियलाइज किया कि दैट्स इट, मैं यहीं पर रहने वाली हूं। मुझे घुटन हो रही थी। मुझे एक सेल में ले जाया गया। क्या मैं कभी बाहर आ पाऊंगी? Who knows? खाना ले लो। वो मुझे खाना देते थे पर मुझसे नहीं खाया जाता था। भूख मर गई थी। मैं दरवाजे को पीट कर उनसे कहना चाहती थी कि जाने दो मुझे। मैं नहीं जानती थी मैं जिंदा रह पाऊंगी कि नहीं। मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन कोलंबिया में तबिता रिची 12 साल की सजा काट रही है। पहले 2 महीनों के बाद मेरा स्टेट ऑफ माइंड मैं सोच रही थी कि मैं कूद जाऊंगी जैसे ही कोई गार्ड मुझे शूट करेगा।
फैमिली के बारे में सोचने लगी। मैं सोच रही थी वो मेरे बिना कैसे रहेंगे। पर अचानक कुछ ध्यान आया कि अगर मैं खुद को मार दूंगी तो इससे मैं अपने बच्चों के सामने क्या प्रूफ करूंगी। और मैंने अपना इरादा बदल दिया। सिगरेट पीते हुए मेरे दिमाग में आया, मैं सोच रही थी मैं तो सर्वाइवर हूं, आई कैन डू दिस। हाँ मैं खराब हूं, मैंने बहुत ही हॉरिबल मिस्टेक्स किए हैं, कुछ हॉरिबल डिसीजंस लिए हैं। अगर जीने का दूसरा चांस मिले तो मैं उसे अच्छे से इस्तेमाल करूंगी। मैं घर जाऊंगी अपने बच्चों के पास, मैं अच्छी इंसान बनूंगी, अच्छे डिसीजंस लूंगी। सुसाइड ना करने और उसका सामना करने का फैसला करने के बाद मैं अपने लॉयर से मिली जिससे मुझे फ्रैंक ने मिलवाया था। तुम ठीक तो हो ना? और उसने मुझे बताया कि वो उन लोगों का पता नहीं लगा पाए जिन्होंने मुझे फंसाया था, और इसके अलावा मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था। मैं जज के सामने कुछ प्रूव नहीं कर सकती थी। तो उसने मुझे बताया कि समझदारी इसी में है कि मैं एक्सेप्ट कर लूं अ प्ली बार्गेन ताकि मेरी सजा कम हो जाए। तो आई टुक द प्ली बार्गेन। मैंने मान लिया कि मैं गिल्टी हूं क्योंकि मैं थी गिल्टी। आई वॉज कैरिंग दोज ड्रग्स। मेरी लॉयर ने मुझे बताया कि मेरी सजा 4 साल की हो सकती है विद हाउस अरेस्ट। सच में? हाँ। मैं यही तो चाहती थी, अपनी लाइफ लाइन, क्योंकि मैं समझ गई थी मैं नहीं झेल पाऊंगी इतने साल की सजा, 8 to 12 years बिहाइंड द बार्स। पर मैं जानती थी कि मैं सर्वाइव कर सकती हूँ 4 years एंड हाउस अरेस्ट, और इससे मेरी जिंदगी पे फब तक चलता रहा। तबिता को कोलंबियन ड्रग गैंग ने उसकी मर्जी के खिलाफ रोक रखा है। उसको कई बार ड्रग्स देकर रेप किया गया। अगली सुबह मेरी आंख खुली। मुझे सारे फ्लैशबैक्स आने लगे जो भी मेरे साथ हुआ था, फ्रॉम द मोमेंट इट बिगैन टू द मोमेंट इट एंडेड। मैं कमजोर महसूस कर रही थी, एकदम टूटी हुई थी एंड नाउ। मैं 3 बार नहाई, स्किन को तब तक रगड़ती रही जब तक वो लाल नहीं हो गई। आई एम रेड लाइक ए लॉबस्टर। मैं पिछली रात को अपने ऊपर लगे हर दाग को धो देना चाहती थी। आई फेल डर्टी। मैं डर गई थी, मैं बस घर जाना चाहती थी, अपने बच्चों को गले लगाना चाहती थी, मैं सिर्फ अपने घर जाना चाहती थी। लेकिन मैं ड्रग्स भी नहीं लेके जाना चाहती थी, ऐसे में मैं क्या करती? अगली सुबह लूसियो ने मुझसे पूछा, क्या अब मैं तैयार हूं? वही सवाल जो वो हर रोज पूछता था। तुम घर जा सकते हो मगर हमारे ड्रग्स के साथ। पर इस बार उसने कहा, वेट। बात ध्यान से सुनो, अगर तुम अब भी अपने साथ ड्रग्स नहीं ले जाओगी तो कभी घर नहीं जा पाओगी, और मेरे दोस्तों को तो पैसा बनाना है किसी भी तरह। जैवी तुम्हें पता है तुम बहुत ब्यूटीफुल हो,
कनेडियन वुमन, तुमसे पैसा बनाने के बहुत से तरीके हैं। मैं उसका मतलब समझ गई थी। वो लोग मुझे प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल देते अगर मैं उनके ड्रग्स अपने साथ लेके नहीं जाती। बोलो टैबी, आप क्या कहती? सीपा और लूसियो मेरे फ्रेंड्स थे और मैं उन्हें 2 साल से जानती थी। वो कनाडा में बिजनेस पार्टनर्स थे, पर थे वो कोलंबिया से। वो ड्रिंक नहीं करते, वो ड्रग्स नहीं लेते। मैं सीपा और लूसियो के साथ खूब एंजॉय करती थी। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, स्पेशली सीपा, क्योंकि उसके साथ होने के लिए मुझे ड्रग्स या नशे की जरूरत नहीं थी। आई कैन बी मी। मुझे याद है उसने मुझसे कहा था, तुम स्ट्रॉन्ग लड़की हो, तुम्हें इस लाइफ से फ्री होना होगा। और वो मुझसे बार बार कहता था, कोलंबिया चलो हमारे पास, तुम वहाँ मेरी फैमिली से मिलो, मेरे फ्रेंड से मिलो, किसी चीज की फिक्र मत करो, जस्ट बाय अ प्लेन टिकट टैबी, सोच के बताऊंगी। लेकिन उस पल मैंने फैसला किया और मैंने कहा, मैं तैयार हूँ, मुझे वेकेशन चाहिए, प्लीज हेल्प मी। मुझे इसकी सख्त जरूरत थी। जो लाइफ मैं जी रही थी उससे दूर जाना चाहती थी। हाँ, मैं आ रही हूँ। और बस यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। बोगोटा, कोलंबिया। मुझे याद है मैं एयरपोर्ट से बाहर आ रही थी। मैं सीपा से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन वो वहाँ था ही नहीं। और मैंने देखा लूसियो वहाँ था। लूसियो मुझे लेने आया था। मैं थोड़ी डिसअपॉइंट हुई। वेलकम टू कोलंबिया। मुझे लग रहा था कि वो समझ गया है कि मैं उसे देखकर उतना खुश नहीं हूँ जितना कि सीपा को देखकर होती। लाओ बैग मुझे दे दो। लेकिन लूसियो हमेशा की तरह एक परफेक्ट जेंटलमैन था। वो हमेशा मेरा बैग कैरी करता था। उसने कहा कि हमें बस पकड़नी। हम पैम्पलोना पहुंचे और मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैंने जैसे ही सीपा को देखा, मैंने उसे जोर से हग किया जितना पहले कभी नहीं किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। लगा जैसे कि वो बहुत खुश हुआ है। मैं सीपा के साथ मोटरबाइक पे बैठी हुई थी और मैंने उसे फास्ट चलाने के लिए कहा, 'cause आई लव स्पीड। मेरे बाल हेलमेट के बाहर से उड़ने लगे थे। मैं बहुत फ्री फील कर रही थी, इतना कि बता नहीं सकती। मेरे 2 हफ्ते पैम्पलोना में बहुत अच्छे रहे। मैंने खूब रिलैक्स किया और मैं थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी। सलूट। सलूट। हम एक बार में गए और हमने डांस किया। लेट्स डांस, कम ऑन। वहाँ कोई ड्रग्स नहीं थे, थैंक्स गुडनेस, क्योंकि